इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है ठाणे जिले के डोंबिवली MIDC से, जहां स्थित अंबर केमिकल कंपनी में भीषण धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि धमाके के बाद पूरी कंपनी को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक कंपनी का बॉयलर फटने से यह पूरी घटना हुई है। बॉयलर फटने के बाद कंपनी में आग लग गई है और धमाके इतने जोरदार हैं कि कई किलोमीटर तक इनकी आवाज़ें गूंज रही हैं। आपको बता दें कि डोंबिवली के MIDC में ये पूरी घटना हुई है, जहां धमाके के बाद कई किलोमीटर तक इनकी गूंज सुनने को मिली है। कंपनी में कई लोगों के फंसे होने की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा आग ने आसपास की कंपनियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। कंपनियों में खड़ी गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई हैं। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, जो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही है। पिछले 1.5-2 घंटे से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अनुदान केमिकल कंपनी में भी धमाका होने की बात कही जा रही है। अभी भी अलग अलग कंपनियों में रुक रुक कर छोटे मोटे ब्लास्ट हो रहे हैं। फिलहाल आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन MIDC में यह घटना बेहद ही खतरनाक हुई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आसमान में धुएं का गुब्बारा बना हुआ है। ब्लास्ट के बाद आग लगी हुई है और आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि आसपास की जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थी वो जलकर खाक हो गई हैं। अलग अलग कंपनियों में भी आग पहुंचने की खबर है। इसके अलावा आसपास की जो इमारतें थी उनके शीशे टूट गए हैं। जी हाँ, धमाका इतना तेज था कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड आग बुझाने का प्रयास कर रही है।